बात की तो राइट साइड जरूर से देखने को मिले, मतलब ब्रिज के आसपास है। और मैं एक बार जरूर से सर्कल की तरफ नजर लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि सर्कल यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे बना रहा है टीम्स के लिए, क्योंकि आयलैंड सिलेक्ट किया गया है सदर पार्ट में कंप्लीटली। एंड गमला बॉय ऑरेंज रॉक के न्यू प्लेयर वन को फिलहाल यहाँ पे मुश्किल में डालेंगे। एंड सर्कल देखिए काफी टीमें ब्रिज पे फंस के रख चुके हैं। टीम गॉड लाइक और सिर्फ टीम सोल, यहाँ से कोई एक टीम हम लोग को आगे जाते हुए देखने को मिले, क्या वो टीम गॉड लाइक होगे या फिर वो टीम सोल होगे। डाउन साइड में FYD के भी प्लेयर्स है जिनको यहाँ पे पनिश कर रहे हैं। जी गॉड वहां पे और अच्छी तरीके से यहाँ पे नॉक निकालने की जो बारी है वो देखने को मिल रहा है। आईडी को फिनिश ऑफ भी किया जाएगा जी गॉड की तरफ से और चौरातन की तरफ से। ये ग्रेनेड एडमिट के मेंबर्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे यूओपी की तरफ। ग्रेनेड तो किया गया, कनेक्शन भी लगेगा चौरातन की तरफ से, लेकिन उसके बाद चौरातन को यहाँ पे पीछे से बैकस्टैब करता है। ऑरेंज के वेक से आते हैं चौरातन को वहां पे नॉकआउट करते हैं, फिनिशिंग करने में भी कामयाब हो चुका है। अब ये तीन प्लेयर सर्कल की तरफ जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं, लेकिन चल माने क्लच गॉड अभी भी ब्रिज में फंस गए हैं और जो एक बैकअप चाहिए, जो एक उम्मीद थी वो थोड़ी सी मुश्किल में है। लेकिन चल चल से बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ चुके हैं। चल बिल्कुल मौका नहीं देंगे, नॉक करेंगे, फिनिश भी करेंगे। अब क्या ये सर्कल में जाने का प्लान है? बहुत अच्छा प्लान रहेगा, क्योंकि चौथा सर्कल है। आप यहाँ पे रुक के रखना अपने आप को नहीं चाहोगे, कुछ ही सेकंड पे आप मैच से बाहर कर दिए जा सकते हैं। एग्जैक्टली सही कॉल, सही डिसीजन। चल एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक करते हैं, फिनिश ऑफ करते हैं। 8-bit युवा का भी यहाँ पे फिनिश ऑफ फिनिश आ जाएगा, जो कि जोनाथन की तरफ से वो ग्रेनेड करेंगे, क्योंकि आप सामने से क्रॉस कर पाए। दो प्लेयर है न्यू के पास, हार्ड एडवांटेज बट इनको बैटल माइटी को सिंसिटी यहाँ पे नॉक आउट किया जाएगा। एंड सी गॉड तुरंत से यहाँ पे न्यू की तरफ जाएगा। बट फाइनली यहाँ पे न्यू को भी यहाँ पे नॉक आउट कर दिया गया। जाते जाते केमिन स्पोर्ट्स के शायद दो प्लेयर को यहाँ पे नॉक आउट करने में कामयाब हो गया, लेकिन अगर बात करें तो पीछे से कुछ सपोर्ट मिला। अब क्या जी गॉड एक फाइनल मूव की तरफ जाएंगे, क्या यहाँ पे टीम केमिन स्पोर्ट्स संभाल पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बट जी गॉड पीछे हट रहे क्योंकि पता है ऑफ गार्ड नहीं हो सकते, अगर ऑफ गार्ड हुए तो इन्हें भी मैच से बाहर होना पड़ सकता है। 10वें पोजीशन पे टीम गॉड लाइक जरूर से एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल के डे में सबसे बेहतर शुरुआत और एक फिनिश की बात रही तो टीम गॉड लाइक का ही था। देखिए स्टार्टिंग के दो मैच उतने अच्छे नहीं गए थे, हमने देखा था, पूरी ऑडियंस जो भी व्यूअर्स थे उन्होंने देखा था टीम गॉड लाइक की शुरुआत नहीं होती, लेकिन लास्ट फोर